सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सभी जगह हम पहुंच रहे हैं पांचों विधानसभा में और हर समाज से हमें समर्थन मिल रहा है। पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि 36 बिरादरी एकजुट होकर हमारे साथ आ रही है। डबल इंजन की सरकार देख चुके हैं, सभी बड़े मुद्दों पे दो बार वोटिंग भी करके देख चुके हैं, लेकिन अब जो त्रस्त हैं लोग वो क्षेत्र के हालात से हैं और क्षेत्र की समस्याएं अब उभर कर आ रही है। मैं पर्सनली उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगी और उसके लिए हमने सोचा है बहुत, अगर सरकार में आए तो अलग तरीके से, नहीं भी आए तो भी पूरा प्रयास रहेगा अपने लेवल पे। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की और कनेक्टिविटी की अभी भी कमी है तो उसमें भी काम करने का, और जो हमारे नगरीय पंचायतें हैं उनमें जो नई कॉलोनीज बसती हैं उनमें अभी लाइट की कमियाँ हैं तो उनको पूरा करने का काम, जो भी कुछ सामाजिकता के ज़रिए मेरी जान पहचान है वो मेरे पिताजी के माध्यम से ही है, तो मेरे लिए बहुत अहम है उनका मेरे नाम के साथ जुड़ाव होना। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी इकरा हसन जी जो सपा से कैराना लोकसभा की प्रत्याशी हैं उनके साथ है, वो अपने चुनाव प्रचार में निकली हुई हैं और चंदेनामाल गांव में हैं फिलहाल, अपने प्रचार के लिए यहां पर आई थी। इनके बहुत बिजी शेड्यूल में से हम थोड़ा सा वक्त इनसे लेने वाले हैं। इकरा जी बहुत बहुत आपका स्वागत सीसीए में। थैंक यू। इकरा जी आपका अभी प्रचार कैसा चल रहा है? कई दिन हो गए हैं और कई जगह आप जा रहे हैं। चंदनामाल ये एक राजपूत बहुल गांव है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? सभी जगह हम पहुंच रहे हैं पांचों विधानसभा में और हर समाज से हमें समर्थन मिल रहा है। पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि 36 बिरादरी एकजुट होकर हमारे साथ आ रही है और सबका बहुत सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है। 36 बिरादरी आप कह रहे हैं साथ आ चुके हैं, पिछली बार जब विधानसभा था तो गृह मंत्री जी ने था कि ना पर्चे बांट दिए थे और कहीं ना कहीं बात तो यही थी कि 36 बिरादरी यहाँ साथ नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि उस सब का कोई असर होने नहीं वाला है इस चुनाव में? नहीं, ये पहला चुनाव है जिसमें हम नेशनल नैरेटिव से हट के लोकल इश्यूज़ उठ रहे हैं, वो उभर कर आ रहे हैं सामने। तो इस बार लोग अपनी जो यहाँ की क्षेत्र की समस्याएं हैं और जो परेशानी उन्हें रही है, जो उनकी सुनवाई नहीं हुई है, उसका बड़ा मुद्दा है। बाहर जो बड़े मुद्दे हैं उन पर लोगों का अब कम ध्यान है क्योंकि डबल इंजन की सरकार देख चुके हैं, सभी बड़े मुद्दों पर दो बार वोटिंग भी करके देख चुके हैं, लेकिन अब जो त्रस्त हैं लोग वो क्षेत्र के हालात से हैं और क्षेत्र की समस्याएँ अब उभर कर आ रही हैं। रमज़ान का महीना है, मुझे पता है रोज़े से भी हैं तो आप बहुत थके होंगे, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक ज़रूर सवाल पूछूंगा। आप स्थानीय स्तर पर आप कह रहे हैं मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है, कुछ ऐसे मुद्दे जो आप लोगों के बीच में रख रही हैं जिनके तहत आपको लगता है लोगों को आपका समर्थन करना चाहिए और जो काम नहीं हुए पिछले 5 या 10 साल में? पिछले 5 हमें बहुत अफसोस होता है कि हमारे जो माननीय सांसद जी थे वो बहुत कुछ करा सकते थे, उनके पास 2 सरकारों की ताकत थी, यही वो वक्त था जिसमें हमारे क्षेत्र में बड़ी संस्थाएं कुछ आ सकती थी जो सरकार के माध्यम से ही आती हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास यही रहेगा। मैं पर्सनली उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगी और उसके लिए हमने सोचा है बहुत, अगर सरकार में आए तो अलग तरीके से, नहीं भी आए तो भी पूरा प्रयास रहेगा अपने लेवल पे। तो एक तो ये है और दूसरा मजबूती के साथ हमारा आज तक एक भी सवाल गन्ने को लेकर, गन्ने के भुगतान को लेकर संसद में हमारे क्षेत्र का नहीं उठा है, तो हमारे जो लोगों की है ये भी एक डिमांड है कि इनकी लड़ाई संसद तक लड़ी जाए और प्रयास किया जाए कि यहाँ पर मील वालों पर दबाव बनकर कम से कम अपने लोगों का भुगतान करा पाएँ, क्योंकि गन्ना बेल्ट है, बड़ी समस्या है और यहाँ पर हेल्थ केयर की भी बहुत कमी है फैसिलिटी की, तो उसके क्षेत्र में भी हम प्रयास करेंगे और साथ ही जो क्षेत्र का वैसा विकास है, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की और कनेक्टिविटी की अभी भी कमी है तो उसमें भी काम करने का, और जो हमारे नगरीय पंचायतें हैं उनमें जो नई कॉलोनीज बसती हैं उनमें अभी लाइट की कमियाँ हैं तो उनको पूरा करने का काम करेंगे। इकरा जी आखिर में ये हम लोग भी काफ़ी दिनों से लगातार आपके क्षेत्र में और पश्चिमी यूपी में घूम रहे हैं, अक्सर जब लोगों से बात करते हैं एक चीज़ ज़रूर है कि आपके वालिद मरहूम मुनव्वर साहब की लोग कहते हैं उनकी याद आती है आपको देखकर,
उसका कितना आपको लगता है यहाँ पर एक असर है उस चुनाव में मुनव्वर साहब? बिल्कुल, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से हूँ जहाँ पर मैं खड़ी हूँ आज, और जो भी कुछ सामाजिकता के ज़रिए मेरी जान पहचान है वो मेरे पिताजी के माध्यम से ही है, तो मेरे लिए बहुत अहम है उनका मेरा उनका मेरे नाम के साथ जुड़ाव होना, और इसी से मुझे समर्थन भी मिल रहा है, और मैं प्रयास करूंगी कि जिस तरीके से वो सबके लिए काम करते थे और बिना भेदभाव के उन्होंने हमेशा एक सेक्युलरपन की राजनीति करी है, तो उसी विचारधारा को उनके आगे ले जाने का प्रयास रहेगा, और इसी में सभी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। ये थी कैराना की उम्मीदवार इकरा हसन, सपा से कैराना की उम्मीदवार। आप लोग जुड़े रहें, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर इस बार वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं। आप लोग जुड़े रहें सीसीए के साथ। पश्चिम यूपी से खबरें आप तक आती रहेंगी। थैंक यू।